बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम के बेहद ज़रूरी आदाब। नंबर वन, कुरान पाक खूब कसरत से पढ़ना चाहिए। उठते बैठते सोते जागते जैसे भी टाइम मिले कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतों की छोटी छोटी आयात की तिलावत करते रहना चाहिए। कुरान पाक के कुरान शरीफ के आदाब में से एक है। नंबर टू, जिस मकान में कुरान करीम रखा हुआ हो उस मकान में सोहबत यानी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए और वहाँ इंसान को सतर भी नहीं खोलना चाहिए यानी बरहना या नंगा भी नहीं होना चाहिए। नंबर थ्री, अगर किसी ऐसे मकान में हम बिस्तरी या सोहबत की ज़रूरत पेश आ जाए तो कुरान करीम पर कोई पर्दा कोई कपड़ा कोई चीज़ ऐसी डाल दें ताकि उसका एहतराम उसका मकाम उसका रुतबा बरकरार रहे। नंबर फोर, कुरान करीम पर कोई किताब या सामान रखने से एतराज़ करना चाहिए। यदि कुरान पाक रखा हुआ है उसके ऊपर कोई बुक्स रख दी उसके ऊपर कोई चीज़ रख दी कोई सामान रख दिया तो ये कुरान पाक के अदब के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता